बिहार बोर्ड 10th क्लास का जो रिजल्ट है उसमें बार बार देरी हो रही है, देरी का कारण क्या है ये हम आपको बताएंगे, और आखिर बोर्ड ने कब जारी करने का डिसीजन लिया है और क्या है ऑफिशियल अपडेट, सारा डिस्कशन इस वीडियो में हम करेंगे। सबसे पहले एक बड़ी खबर कि किस समय और किस डेट को ये रिजल्ट आएगा। अभी जो मीडिया रिपोर्ट्स आ रही हैं उनमें ये क्लियर हुआ है कि आज जैसे 29 तारीख को ये रिजल्ट आना था लेकिन नहीं आ पाया, और अब जो सबसे बड़ी अपडेट है कि क्यों रिजल्ट में देरी हुई है, ये है कि कुछ पदाधिकारी थे, कुछ ऑफिसर्स थे जो सही टाइम पर डेटा अपलोड नहीं कर पाए, या उनकी टीम है जो सही टाइम पर डेटा अपलोड नहीं कर पाए, इसकी वजह से इस मैट्रिक के रिजल्ट में देरी हुई। और ये रिजल्ट है वो 29 तारीख को आना था लेकिन 29 तारीख को नहीं आया, अब ये पोस्टपोन हो चुका है। और जो ऑफिशियल अपडेट आ रहे हैं और जो मीडिया रिपोर्ट्स आ रही है उनमें ये बताया जा रहा है कि ये रिजल्ट अब 31 मार्च को जारी होगा। जैसे हम बात कर रहे हैं प्रभात खबर की, जो बिहार का एक विश्वसनीय और सबसे बड़ा न्यूज़पेपर है, वहां पर जो मीडिया रिपोर्ट है उसमें यह आ रहा है कि यह रिजल्ट अब 31 मार्च को जारी होगा। 31 मार्च को इस रिजल्ट के जारी होने की संभावना है, और मैट्रिक के नतीजों में देरी को लेकर बिहार बोर्ड के 2 अधिकारियों पर गाज गिरी है। उन पर यह हुआ है कि रिजल्ट में देरी करने का उन पर आरोप लगा है, नहीं तो ये रिजल्ट 29 तारीख को आ जाता। तो ये है अभी तक की ऑफिशियल अपडेट। रिजल्ट देखने के लिए जो वेबसाइट्स हैं उनकी लिस्ट और मेरिट लिस्ट से रिलेटेड जो भी लेटेस्ट अपडेट होगी हम आपको एक और नया वीडियो बनाकर अपडेट दे देंगे। ऐसे ही एजुकेशनल न्यूज और बोर्ड रिजल्ट्स के अपडेट के लिए आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें।